हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए स्वीट पटेटो की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्वीट पटेटो को हम माइक्रोवेव में कैसे बॉईल करें, आज मैं आपको यह बताने वाली हूँ। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और पास में दिए हुए बेल बटन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैंने यहाँ ले लिया है स्वीट पटेटो। स्वीट पटेटो के साथ में मैंने ले लिया है वाटर यानी पानी, नॉर्मल पानी लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, इन सभी स्वीट पटेटो को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, इनकी मिट्टी पूरे अच्छे तरह से हटा देंगे। इस तरह से इनकी मिट्टी जो है हट भी जाएगी और थोड़ा सा हमें इनको वैसे भी गीला करना है, जिससे कि इनमें इनकी नमी जो है बनी रहे। अब मैंने ले लिया है एक फ्रॉग। फ्रॉग की सहायता से मैं इसमें चारों तरफ से इसमें छेद कर लूँगी। मैं सारे स्वीट पोटैटो को इस तरह से छेद करके एक प्लेट में रखती जाऊंगी। मैंने इसे सभी को इस तरह से छेद करके अलग से एक प्लेट में रख दिया है। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेवेबल जो प्लेट्स आती है उसमें भी रख सकते हैं, या इस तरह का बाउल भी ले सकते हैं। ये मैंने इडली का जो सांचा होता है जो माइक्रोवेव के साथ आता है, या आप इसे अलग से भी ले सकते हैं, उसमें सेट कर लिया है। इसकी जगह पे आप कोई भी कांच का माइक्रोवेवेबल जो यूटेंसिल्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे माइक्रोवेव की ओर। मैंने इसे माइक्रोवेव के अंदर रख दिया है और मैंने इसे माइक्रो मोड पर 5 मिनट का टाइमर देकर रख दिया है। 5 मिनट होने के बाद मैं आपको इसे खोल के दिखाऊंगी। तो देखिए हमारी माइक्रोवेव में चल रहा है, ये 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने इसका डोर ओपन कर लिया है और ये देखिए अपने आप ही आपको दिख रहा है, एक में अपने आप ही छिलका जो है हट चुका है और ये सॉफ्ट हो चुकी है। मैंने इसे चेक कर लिया है। अब इसे हम बाहर निकाल देंगे, थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम हाथों की सहायता से छील लेंगे। ये देखिए आप इसका यूज़ हलवा बनाने में, खीर बनाने में, या फिर शकरकंदी की चाट बनती है उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सभी मैंने छील दी है। आप भी इस तरह से माइक्रोवेव में सिर्फ 5 मिनट में स्वीट पटेटो को बॉईल कीजिए। तो आपको यह कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।